तो हेलो गाइस, माय नेम इज येशुआ एंड यू आर वाचिंग माय चैनल दिस ब्लॉक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो गाइस, आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, आपको मेरा थंबनेल एंड टाइटल देख के समझ में आ गया होगा। जियो ने आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, वो भी ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों की रीच कम है। तो ये अनाउंसमेंट है उसके कॉल्स लिमिट के बारे में। मतलब जियो ने अपने कॉल्स पर मतलब पर डे सिर्फ 300 मिनट्स ही आप बात कर सकते हैं, यानी कि कॉल कर सकते हैं सिर्फ 300 मिनट, यानी कि 5 घंटे। तो ये लिमिट लगा दी है। पहले था अनलिमिटेड, आप अनलिमिटेड कहीं भी कितनों भी बात किया कर सकते थे, लेकिन अब ये लिमिट आ गई है। तो ये कस्टमर्स को धोखे में रखने वाली बात भी है, क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट जियो ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं की है, इसकी अनाउंसमेंट की है जियो ने ट्विटर हैंडल पे। तो ये बहुत गलत बात है। अभी हाल ही में जो खबर आई थी जियो फोन्स के बारे में कि आपको 10 महीने तक 1500 रुपये का रिचार्ज करवाना होगा, ये भी अनाउंसमेंट जियो ने धोखे में रखकर ही की थी। बुकिंग के समाप्त होने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस जियो ने अपने वेबसाइट पे डाली थी। तो ये बहुत गलत बात है, जियो धोखे में रखकर काम करता है, तो ये मुझे पसंद नहीं आया। वैसे तो जनता को भी ये बात पसंद नहीं आई होगी, लेकिन ये बहुत साधारण है कि 300 मिनट, वैसे 5 घंटे कोई बात नहीं करता, लेकिन जो लोग करते हैं जियो की वजह से, लोग फ़ोन को ऑन करके कॉल्स करके रख दिया करते थे, बातें किया करते थे, उनके लिए मुसीबत वाली खबर है ये, उनके लिए प्रॉब्लम में डालने वाली खबर है। वैसे तो मैं जियो का विरोध नहीं करता, लेकिन ये तरीके ठीक नहीं है जियो के। कम से कम ये बता देना चाहिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि ऐसी बात है, तो लोगों को पता तो चलेगा। तो आखिरकार लोगों को पता तो चलता, लेकिन ये जियो का तरीका जो है अनाउंसमेंट करने का, ये बहुत ही गलत है। तो गाइस यार, आप लोगों को क्या लगता है, 300 मिनट पर डे का जो कॉलिंग लिमिट जियो ने दिया है, ये सही है या गलत ये? और जियो का इस पर ये भी कहना है कि कुछ लोग इसका मिसयूज़ कर रहे थे, जियो को घाटा हो रहा था, तो जियो ने इसी वजह से 300 मिनट पर डे की कॉलिंग के लिए लिमिट लगाई हुई है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, ज़रूर कमेंट करिए। और यार, मुझे तो ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। 300 मिनट चलो ठीक है, 300 मिनट तुम एक दिन में देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 घंटे वैसे कोई बात नहीं करता, लेकिन एक तरह से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए थी। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता चलेगा, अभी एक महीने तक मुझे लगता है कि कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता चलेगा। अगर 300 मिनट वो ख़त्म कर देते हैं तो उन्हें परेशानी होगी कॉल्स करने में, तो उन्हें नहीं पता होगा आखिर ऐसा क्यों है, तो वो लोग घबरा जाएंगे, कस्टमर केयर सर्विस के पास कॉल करेंगे, वो लोग फ़ोन उठाते भी नहीं हैं, ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो यार, जनता तो परेशान होगी ही, तो कम से कम एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देते, अखबारों में ये पोस्ट आ जाता कि भाई ऐसा कुछ हो गया है। तो मेरा तो कहना यही है, इस पर मेरा यही विचार है। तो गाइस, अगर आप लोग को लगता है कि ये सही है, तो भाई कमेंट करो, मुझे बताओ। और यार चलो, आज की खबर इतनी ही थी। और तो गाइस, अभी के लिए चलते हैं यार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो यार, इसको शेयर करो, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए इसके बारे में। शेयर करो दूर दूर तक, जहां तक आप शेयर कर सकते हैं इसको शेयर करिए, लोगों को पता तो चले आखिर क्या चल रहा है जियो के माइंड में और क्या खबरें हैं जियो के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है वीएस और आप देख रहे हैं ब्लॉक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।